माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वो तशरीफ लाएं अपने संबोधन के लिए। आपकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री। यह साउंड सिस्टम को देखें थोड़ा। भारत माता की, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके हृदय सम्राट, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू की पावन धरती पर अभिनंदन है, स्वागत है। उनके साथ बैठे हुए भारत सरकार में पंचायती राज मंत्री और इस जिनके सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, माननीय गिरिराज सिंह जी, मंत्री परिषद साथी कपिल जी, सांसद साथी जुगल किशोर जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण पंचायत प्रतिनिधि गण, किसान भाइयों बहनों, पिछले आज से लगभग 8 साल पहले 26 मई 2014 को, जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने आज तक जम्मू कश्मीर देश का कार्यभार संभाला, उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई है, जम्मू कश्मीर को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई है, और हमें भलीभांति याद है प्रधानमंत्री के बनने के बाद आपका जो सबसे पहला बड़ा कार्यक्रम था वो था कटरा वैष्णो देवी रेल स्टेशन का लोकार्पण, और फिर वही देश का पहला रेल स्टेशन बना जो पूरी तरह सोलर एनर्जी पर चलने लगा। सरकार बनने के 3 ही महीने भीतर सितंबर 2014 में जम्मू कश्मीर में भयंकर बाढ़ आई, सारा का सारा श्रीनगर शहर पानी में डूब गया। प्रधानमंत्री के रूप में आपने हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई, आपने बार बार दौरा किया और चिंता के साथ साथ संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अक्टूबर 2014 में ये निर्णय लिया कि आप प्रधानमंत्री के रूप में पहली दिवाली कहीं और ना मना करके कश्मीर घाटी के बाढ़ ग्रस्तों के बीच में मनाएंगे। प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर में अक्सर सेल्फ रूल का नारा लगाया जाता था, लेकिन यदि सेल्फ रूल का अर्थ है कि ऐसा लोकतंत्र जिसका जन्म धरती से हुआ हो, तो उसका परिचय भी आपने करवाया। पंचायतों के सफलतम चुनाव हुए और 70 वर्ष के बाद पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ है, पंचायतों के सशक्तिकरण का एक क्रम निरंतर जारी है और इसी के महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज हम खड़े हैं। जब आपने ये निर्णय लिया कि आप देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे, परंतु उसका केंद्र रहेगा जम्मू की एक पंचायत, गत 8 वर्षों में, और इस आपके आने की खबर से इतना उत्साह जागा है कि मात्र 18 दिन के भीतर साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग ने 500 किलोवाट का एक सोलर प्लांट यहां स्थापित करके 348 ग्रामीण घरों को सोलर एनर्जी उपलब्ध करवाई है, जिसका भी आप बटन दबा करके विमोचन करेंगे। गत 8 वर्षों में आपने न केवल अनेकों राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट दिए हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो रुक गए थे उनको भी पुनः प्रारंभ किया गया। उनमें से रेटले का प्रोजेक्ट आज है जिसको आप लॉन्च करने जा रहे हैं, और पिछली बार जब आप पधारे थे 40 वर्ष से रुका हुआ शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, और सदियों से इंतजार कर रही देविका नदी के सुंदरीकरण का। प्रधानमंत्री जी, अंत में केवल ये कहना है, हमें इस बात का एहसास है कि हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से गुजर रहे हैं, अमृत महोत्सव, और 25 वर्ष के बाद जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और भारत विश्व पटल पर खड़ा होगा, उस भारत का स्वरूप कैसा होगा, उस हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी होगी, उस कल्पना चित्र को निर्माणित करने हेतु परमात्मा हमें सामर्थ्य दे, समझ दे, शक्ति दे। इसी प्रार्थना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपके उद्बोधन के लिए। आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस है, यह सौभाग्य और सम्मान जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन यहां हो रहा है। गुजारिश है
माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से कि वो अपने संबोधन के लिए तशरीफ लाएं। आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। परम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय श्री कपिल महेश्वर पाटिल जी, यहाँ के लोकल सांसद लोकप्रिय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, भारत सरकार और जेके के समस्त अधिकारीगण, यहाँ पर मौजूद सभी पंचायत जनप्रतिनिधि, वर्चुअल के माध्यम से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई, जो दुनिया में इतने प्रतिनिधि, 2.5 लाख पंचायत और 31 लाख से भी ज्यादा जनप्रतिनिधि हैं, ये विश्व के जनतंत्र में इतना बड़ा प्रतिनिधित्व किसी भी संगठन का नहीं है। मैं आज के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष पर मैं दो ही निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 32 लाख की यहां आबादी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज हमें हार्दिक अभिनंदन उनका करता हूं। मान्यवर, आज देश में कई दशक से गांधी जी के विचारों की चर्चा तो की गई नहीं, गांधी के नामों की चर्चा एक पार्टी ने की, लेकिन गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, वो उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। लेकिन आपके दिशा निर्देशन में आज इतने सालों के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार त्रिस्तरीय चुनाव हुआ और चुनाव के कारण आज यहाँ इतने जनप्रतिनिधि यहाँ हाजिर आए हैं आपको सुनने के लिए। महोदय, मैं एक ही चीज कहूंगा, आने वाले दिन में, आपके आने के पहले देश के अंदर में पंचायती राज में एक सिस्टम के नाम पर, जब आपने दो ई गवर्नेंस राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना लाने का काम किया, उसके तहत प्लानिंग, जीपीडीपी, अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग सभी को एक सिस्टम में लाया गया। महोदय, आज एक पाई का जो खर्चा होता, वो खर्चे एमआईएस पर ई गवर्नेंस जो आपका मुख्य है उसमें करते। आज देश का पहला पंचायत होगा जो ग्रीन एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। देश का पहला पंचायत होगा जिसके समूचे रिकॉर्ड ई रिकॉर्ड होंगे। मैं आपसे इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये कहूंगा कि आपके नेतृत्व में पंचायतों को एक वाइब्रेंट पंचायत बनाया गया है। वाइब्रेंट पंचायत शहरों का तो मास्टर प्लान बनता था, जब आप आए थे उसके पहले 100 रुपया प्रति व्यक्ति के वित्त आयोग की अनुशंसा पर होता था, आज लगभग 700 रुपया प्रति व्यक्ति आप दे रहे हैं। महोदय, केवल ये नहीं, आप उसमें एक अपना जो दिशा निर्देशन है, जब हम कहते हैं कि आने वाले दिन में वाइब्रेंट पंचायत होगा, तो केवल टाउन प्लानर ही नहीं होगा, बल्कि हम वहां पर ग्रीन एनर्जी भी कर रहे हैं, जिसका साक्षात आज आपने उद्घाटन किया।
हरित खेती, प्राकृतिक खेती का भी हम शुरुआत कर रहे हैं। केवल वही नहीं बल्कि हम सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, सिंचाई का काम कर रहे हैं। सिंचाई युक्त पंचायत हो अगले हमने कार्यक्रम में रखा है, स्वास्थ्य पंचायत हो आने वाले दिन में, स्वच्छ पंचायत हो, अगर हमने एक वाइब्रेंट पंचायत के रूप में लिया है, ये भी लिया है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, केवल 250 किलोमीटर भारत नेट का कनेक्शन हुआ था, आज 6 लाख किलोमीटर है। महोदय, आज ई लाइब्रेरी युवाओं के लिए, ई किसान लाइब्रेरी मार्केटिंग वैल्यू एडिशन के लिए, ई महिला महिलाओं को 1 लाख रुपए की आमदनी हो इसलिए ई मार्केटिंग भी हो, और आपसे टेलीमेडिसिन ही नहीं बल्कि हम उनको एक ऐसा अवसर दे रहे हैं। दुनिया में, देश में जब भी कोई डिजास्टर आता तो वो डिजास्टर गांव में आता, उसके लिए भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग हम देने का काम कर रहे हैं। महोदय, मेरा लक्ष्य है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, गरीबी मुक्त रोजगार युक्त गांव हो, स्वस्थ गांव हो, पानी पर्याप्त गांव हो, स्वच्छ हरा भरा गांव हो, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा हो युक्त गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, बच्चों के लिए अनुकूल गुड गवर्नेंस की स्थिति पैदा हो। मैं इतना ही कहूंगा कि ये आपके दिशा निर्देशन में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत एक वाइब्रेंट पंचायत बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, और उस दिशा में तेजी से पंचायतों के साथ काम कर रहे हैं। इस अवसर पर फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी। सबको बिजली पर्याप्त मिले इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है 2 परियोजनाओं को। 850 मेगावाट रतले जल विद्युत परियोजना, इसकी अनुमानित लागत है 5,281 करोड़ रुपए। ये फरवरी 2026 तक तैयार हो जाएगी। इससे स्थानीय युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वो ई माध्यम से इस परियोजना का शिलान्यास करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेगावाट कुवार जल विद्युत परियोजना, इसकी अनुमानित लागत है 4,526 करोड़ रुपए। इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण जिला किश्तवाड़ में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि इस परियोजना का शिलान्यास कर। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना केंद्र सरकार ने ठाना है, ताकि माता श्री वैष्णो देवी जी के श्रद्धालुओं व पर्यटकों की यात्रा को सुगम बनाया जाए। इसी खातिर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है। ये नेशनल हाईवे 44 है। इसके 3 खंड बाईपास दयालाचक, हीरानगर, सांबा से जुड़ेंगे। इसी प्रकार जख कुजवानी 6 लेन इसी एक्सप्रेस वे का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट वे की अनुमानित लागत है 4,914.01 करोड़ रुपए। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन करता हूं कि वे ई माध्यम से इसकी आधारशिला रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी, वर्तमान में कश्मीर से सड़क के रास्ते पहुंचने के लिए ज्वाहर टनल और शैतानी नाला पार करना पड़ता है, जो सर्दियों के दौरान हिमपात और फिसलन की स्थिति में बाधित हो जाता है।
अब केंद्रीय सरकार की दूरदर्शिता से इसका विकल्प भी निकलकर सामने आया है। प्रस्तुत है ये लघु फिल्म। श्री टनल इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया। The Jammu-Katra railway line provides a direct route for thousands of devotees to reach Mata Vaishno Devi Temple, one of the holiest pilgrimages of India. The giant Chenab Bridge is the highest rail bridge in the world across the Chenab River. The region already has many flourishing industries and is a hub of manufacturing industries and MSMEs that contribute to nearly 30% of the GDP. Generations of skilled artisans nurture age-old regional handicrafts like basketry, woodwork, furniture, papier-mâché, pottery, copper and silverware. As India's second largest producer of wool, there is a rich heritage of carpet and shawl weaving. A traditional silk industry also generates large-scale income through silk production. Horticulture is another major industry with a variety of flora and fauna due to abundant natural resources, ideal weather and soil conditions. The region is a leading producer and exporter of dry fruits like almonds and walnuts. It is also India's largest producer of apples and saffron. The many rare herbs and medicinal plants provide opportunities for medical tourism, healthcare and pharmaceutical industries with proposed biotechnology parks. The breathtaking natural beauty of the land makes Jammu Kashmir a renowned international tourist destination. The Union Territory, with its world-famous tourism destinations like Gulmarg and Pahalgam, along with its pristine lakes like Dal Lake, Mansar Lake, Vular Lake, and the wetlands of Kashmir with 33 species of migratory birds, attracts millions of visitors. The fresh and clean environment makes it an ideal destination for medical tourism. It is one of the leading pilgrimage, blessed with the holy Vaishno Devi Temple and the snowy mountains of Amarnath. Adventure sports and gondola rides in Gulmarg and Patni Top are also extremely popular. Is all weather Kazigund Banihal ki? Audio band kar de iska. Is all weather Kazigund Banihal tunnel ki lambai 8.45 kilometer hai. Ab main maniye Pradhan Mantri ji se vinamra nivedan karta hu ki ve ee madhyam se बनिहाल काजीगुंड सुरंग मार्ग का लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच गांवपल्ली सांबा में इस वक्त यहां हम मौजूद हैं। 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट पल्ली पंचायत को कार्बन मुक्त बनाने के लिए एक पहल है। 2.75 करोड़ रुपए का 500 केवी सोलर पावर प्लांट ग्राउंड माउंटेड है। प्रतिदिन औसतन 2000 से 2050 यूनिट ऊर्जा पैदा होगी। 330 वाट के 1500 से अधिक सोलर पैनल लगाए गए हैं। 100,000 किलोवाट क्षमता के 5 स्ट्रिंग इन्वर्टर्स हर 500 किलोवाट के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए 630 केवी ट्रांसफार्मर के माध्यम से ग्रिड को देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि इस 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट को लोकार्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, गरीबों को सस्ती दवाई मिले, दवाई के बिना उसकी जान पर ना बनाए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया गया। इस अवधारणा को मूल मंत्र बनाकर आज पर्वतीय क्षेत्रों के आंतरिक भागों से लेकर मेट्रो सिटी तक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। कोरोना काल में ये जन औषधि केंद्र लोगों के लिए संजीवनी साबित हुए।
माननीय प्रधानमंत्री जी, इन औषधीय केंद्रों में जो दवा लेने आया वो आपको दुआ देकर गए। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ई माध्यम से 108 जन औषधीय केंद्रों को लोकार्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, खुशहाल जम्मू कश्मीर की खातिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुच्छेद 370 और 35 ए की बेड़ियों से यहाँ के लोगों को आजाद करवा के उनके लिए एक नई सुबह का आगाज किया। आज जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर अग्रसर है। कई विदेशी कंपनियों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है, यहाँ भारी निवेश किया है। प्रस्तुत है ये लघु फिल्म। Four state-of-the-art tunnels provide excellent connectivity. The Chinani-Nashri tunnel is the longest road tunnel. One of the holiest pilgrimages of India. The giant Chenab Bridge is the highest rail bridge in the world across the Chenab River. The region already has many flourishing industries and is a hub of manufacturing industries and MSMEs that contribute to nearly 30% of the GDP. Generations of skilled artisans nurture age-old regional handicrafts like basketry, woodwork, furniture, papier-mâché, pottery, copper and silverware. As India's second largest producer of wool, there is a rich heritage of carpet and shawl weaving. A traditional silk industry also generates large-scale income through silk production. Horticulture is another major industry with a variety of flora and fauna due to abundant natural resources, ideal weather and soil conditions. The region is a leading producer and exporter of dry fruits like almonds and walnuts. It is also India's largest producer of apples and saffron. The many rare herbs and medicinal plants provide opportunities for medical tourism, healthcare and pharmaceutical industries with proposed biotechnology parks. The breathtaking natural beauty of the land makes Jammu Kashmir a renowned international tourist destination. The Union Territory, with its world-famous tourism destinations like Gulmarg and Pahalgam, along with its pristine lakes like Dal Lake, Mansar Lake, Vular Lake, and the wetlands of Kashmir with 33 species of migratory birds, attracts millions of visitors. The fresh and clean environment makes it an ideal destination for medical tourism. It is one of the leading pilgrimage, blessed with the holy Vaishno Devi temple and the snowy mountains of Amarnath. Adventure sports and gondola rides in Gulmarg and Patni Top are also extremely popular. The scenic wonders have made Jammu Kashmir a natural choice for filmmakers too. It is a prime film shooting location for domestic and international. प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत लोगों को जमीनों का मालिकाना हक मिलेगा, स्वामित्व कार्ड दिए जाएंगे, जिसकी भूमि होगी उसका ही उस पर हक होगा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जमीनों से मुतल्लिक सभी समस्याओं की जानकारी का उल्लेख होगा और साथ ही आप ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। किसानों को ऋण प्राप्त करने में भी सुविधा होगी। अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे स्वामित्व कार्ड्स का सांकेतिक वितरण करें। राजकुमारी जी मंच पर आएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपना स्वामित्व कार्ड लें। अब मेरी गुजारिश है शौकत अली वानी जी से कि वे भी मंच पर आएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपना स्वामित्व कार्ड लें।
धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अति आवश्यक है कि हम पानी का संरक्षण करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पानी का सोच समझकर प्रयोग करें ताकि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से हम सफलतापूर्वक निपटें। संकल्प है कि 15 अगस्त सन 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर तैयार किए जाएंगे। इस संबंध में प्रस्तुत है ये लघु फिल्म। जल ही जीवन है, इसी दिशा में आजादी के अमृतकाल में शुरू हुआ अभियान अमृत सरोवर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह अपने कर कमलों द्वारा अमृत सरोवर मिशन का ई माध्यम से शुभ आरंभ करें। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे पंचायती राज संस्थानों का। प्रत्येक वर्ष पंचायती राज मंत्रालय पुरस्कृत करता है हमारे पंचायती राज संस्थानों को अलग अलग चार मुख्तलिफ श्रेणियों में। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की चार विभिन्न श्रेणियों के तहत जिन पंचायतों को पुरस्कृत किया जा रहा है उनके अकाउंट में ई माध्यम से इनाम राशि ट्रांसफर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, और देवी और सजनों, अब वो लम्हा आ गया है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो अपनी ओजस्वी वाणी से, प्रेरक व ऊर्जामय संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। आपकी जोरदार तालियों में माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी